हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर फोर्थ की सेकंड यूनिट का टॉपिक डीएनए वैक्सीन्स। ये नॉर्मल वैक्सीन नहीं है, ये डीएनए से बनी हुई वैक्सीन है, यानी कि डीएनए यहाँ पे मौजूद है वैक्सीन के अंदर। इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों ये टेक्निक आई, क्यों इसको इजाद होना पड़ा, इसके पीछे की हिस्ट्री और इसका मैकेनिज्म हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक डीएनए वैक्सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, डीएनए से बनी हुई वैक्सीन। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और यही वो मैटर है, यानी यही वो मॉलिक्यूल है जो हमारा क्या करता है, कैरेक्टर निर्धारित करता है, यानी हम कैसे दिखेंगे, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब कोडेड होता है इस डीएनए के अंदर। इस डीएनए सीक्वेंस का हम यूज करके वैक्सीन बना रहे हैं, यानी कि डीएनए सीक्वेंस इस वैक्सीन के अंदर क्या है, डीएनए सीक्वेंस। वैक्सीन क्या होती है, इंजेक्शन जो आपको दी जाती है सिरिंज के थ्रू, तो उस डीएनए वैक्सीन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हाल ही में जब COVID-19 आया था तो ये डीएनए वैक्सीन्स काफी चर्चा में थी, यानी कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी वैक्सीन थी जो अभी आई थी, जब हमने क्या देखा था, डीएनए वैक्सीन आई थी जब हमने COVID-19 की महामारी से डील किया था। तो अब द डीएनए सीक्वेंस इंजेक्टेड इन टू सेल यूजेस द डीएनए सिंथेसिस एंटीजेनिक प्रोटीन, यानी कि हमारे अंदर जो भी डीएनए हमने डाला, बाहर से हमने क्या किया, एक डीएनए लिया, सपोज ये मेरी सेल है, इससे मैंने एक डीएनए निकाला और आपकी सेल में डाल दिया, ठीक है, ये मैंने क्या किया, आपकी सेल में डाल दिया। तो अब ये क्या है, आपके लिए ये क्या है, फॉरेन डीएनए है, तो आपकी बॉडी इसके खिलाफ तुरंत क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी और इसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडीज बना लेगी, ठीक है। जो बाहर से फॉरेन मॉलिक्यूल अंदर आता है उसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो बाहर से जाता है फॉरेन पार्टिकल को बोलते हैं एंटीजन, और हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो बनाती है, उसके इम्यून सिस्टम हमारा उसके खिलाफ जो एक्टिंग करता है, मतलब उसके खिलाफ जो एक्ट करता है, सॉरी, उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ बनती है, ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसके खिलाफ तुरंत क्या होगा, अब ये डीएनए जैसे ही फॉरेन सेल जो है आपके डीएनए में जाएगी तो ये क्या होगा, ये बनाएगी एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो बनेगी ना, ये प्रोटीन होगी आपके लिए टॉक्सिक, और आप तुरंत इसके खिलाफ क्या बना लेंगे, ये आपके लिए बाहर से आए वो फॉरेन पार्टिकल है, तो ये क्या है, एंटीजन, और इसके खिलाफ आपकी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी। तो यही कह रहा है कि जब फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो ये एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं और ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, मतलब ये क्या होता है, आपके लिए डिजीज कॉजिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर जो भी बाहर से, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, इसके खिलाफ तुरंत हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट कर देती है और हमारी मेमोरी सेल्स इसको याद कर लेती है कि हाँ, ये अब कोई भी ऐसी प्रोटीन वापस से अंदर आएगी तो उसको देखते ही क्या होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल जो चिकन पॉक्स के बच्चे, जैसे किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया है तो दोबारा चिकन पॉक्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसके खिलाफ क्या हो गई है, इम्यून हो गई है, यानी जब भी वो पर्सन एक बार क्या हो गया, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है चिकन पॉक्स के खिलाफ, तो जब भी ऐसे कॉन्टेक्ट में जाता है जहाँ पे क्या हो, चिकन पॉक्स की बीमारी हो, तो उसको, उस पर्सन को ये बीमारी नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं हूँ, मुझे एक बार चिकन पॉक्स हो चुका है और मैं कॉन्टेक्ट में जाती हूँ दूसरे पर्सन के जिसे चिकन पॉक्स है, तो मुझे चिकन पॉक्स होने के चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि मेरे पास वो एंटीबॉडी है जो एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी है, मतलब फाइटर सेल्स मेरे अंदर हैं जो कभी भी हमला कर देंगी चिकन पॉक्स के ऊपर, तो ये वायरस हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स तुरंत ट्रिगर होता है, तुरंत ऑन होता है। देन इन दिस वे डीएनए वैक्सीन जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है पैथोजेन के खिलाफ। जैसे COVID-19 के केस में हमने देखा था कि जैकॉब डी नाम की एक डीएनए वैक्सीन बनी थी जो हाल ही में बहुत न्यूज में थी, ठीक है, तो ये क्या देख रहे थे हम, उसमें डीएनए का यूज कर रहे थे, हम कोरोना वायरस के डीएनए को निकाल रहे थे। अब बोलो मैम, डीएनए कैसे निकालेंगे, कोरोना वायरस तो आरएनए वायरस था, तो हाँ, आरएनए निकाल के उसके डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। जब आरएनए से डीएनए को में कन्वर्ट करते हैं और सेल के बाहर कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये हमारा कोरोना था, कुछ इस तरीके से था, कोरोना वायरस था, क्योंकि इसके ऊपर क्राउन शेप ऐसे बाहर स्पाइक्स प्रेजेंट थी, स्पाइक प्रोटीन, इसके पास क्या था, यहाँ अंदर डीएनए मटेरियल था,
सॉरी आरएनए था, कोरोना के पास क्या था, आरएनए, आरएनए हमने बाहर निकाला, इस आरएनए से हमने बना लिया था डीएनए, डीएनए जो बाहर डीएनए बनता है उसको बोलते हैं सीडीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटारिटी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट डीएनए। तो ये क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ये है, फॉर एग्जांपल ये आरएनए था हमारा, तो आरएनए क्या होगा, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ही तो होगा, ओके थाइमिन नहीं, यूरेसिल होता है, यूरेसिल किस में होता है, आरएनए के केस में। तो अब इसका तुरंत कॉम्प्लीमेंट जो है डीएनए तैयार हो जाता है, और क्या बनता है इससे, फिर हम इसको डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं सीडीएनए। और हमने क्या देखा कि इस डीएनए को जब हम किसी पर्सन के अंदर डाल ले, जैसे मैंने जैकोब डी का इंजेक्शन लिया, जैकोब डी क्या है, जैकोब डी एक वैक्सीन है जो कोरोना के खिलाफ काम कर रही थी, ठीक है। तो अब जैसे ही मुझे उसका इंजेक्शन लगा जैकोब डी का, तो जब भी मैं कोरोना के कॉन्टेक्ट में आऊंगी तो वो क्या होगा, मेरी बॉडी ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज की रहेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई रहेगी। तो जैसे ही कोरोना वायरस मेरे बॉडी में एंटर करेंगे, तुरंत उसके साथ फाइट शुरू हो जाएगी और मुझे वो बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। घबराइए मत अभी सुन करके इतने भारी भारी टर्म्स, आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, डीएनए वैक्सीन जो है इसकी हिस्ट्री क्या रही। तो एक साइंटिस्ट थे 1983 में, इनका नाम क्या था, एंजो पाउलेटी, और इनके साथ इनके फ्रेंड थे डेनिस पेनिकली, ठीक है। इन दोनों ने ही मिल करके न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिवाइस में, ओके, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डीएनए वैक्सीन बनाई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, क्योंकि हम बायोटेक के एप्लीकेशन में इसको पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके डीएनए वैक्सीन इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। बाद में क्या हुआ, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, इन्हीं साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाई। देन जेफरी अल्मर, ठीक है, जेफरी अल्मर ने क्या किया, मतलब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का यूज करके इसको डीएनए वैक्सीन इन्होंने इसमें तब्दील किया, मतलब बदला। जेफरी अल्मर 1993 में आए थे, इन्होंने एक और साइंटिस्ट है, मतलब जेफरी अल्मर एक साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ मर्क में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम किया था और डीएनए वैक्सीन बनाई थी। अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई थी वो किस पे काम कर रही थी, वो अभी तक प्लांट पे हम यूज कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, एनिमल्स पे यूज कर रहे थे, बट सबसे पहले जो वैक्सीन ह्यूमन के ऊपर क्या हुई थी, टेस्ट हुई थी, वो इंडिया में बनी थी। तो अभी तक तो हम सोचते थे कि इंडिया बाहर से कॉपी करता है, बट इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है इन फील्ड में, और अभी के साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है। जैकोब डी नामक अभी क्या बनी थी, डीएनए वैक्सीन जो इंडिया में सबसे पहली बार बनी, और ये डीएनए वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ बनी थी। अहमदाबाद बेस्ड एक एजेंसी थी, एक रिसर्च लेबोरेटरी थी जहां पे ये डीएनए वैक्सीन बनी, ठीक है। तो ये न्यूज में रहा था, तो लगभग एक साल पहले की बात है, जून में क्या हुआ था कि जैकोब डी नाम की ये क्या बनी थी वैक्सीन, ये क्या कर रही थी, अगेंस्ट कोरोना वायरस हमारे इम्यूनिटी क्रिएट कर रही थी। इसके पास किसका डीएनए था, इसके पास डीएनए था कोरोना वायरस का। अगेन डीएनए कहां से आता है, मैंने आपको बताया है अभी, आरडीएनए से। देन डीएनए वैक्सीन और नॉर्मल वैक्सीन में अंतर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। डीएनए वैक्सीन जो होती है वो उसमें डीएनए होता है, ठीक है, इसमें बस डीएनए का कंटेंट होता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि कोरोना से हमने आरएनए निकाला और उसका डीएनए बना दिया, एचआईवी से हमने आरएनए निकाला उसका डीएनए बना दिया, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी डीएनए है तो उसका डीएनए निकाला, बस हम डीएनए को ही वैक्सीन में डाल रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल वैक्सीन होती है ना, उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हम डाल देते हैं, पूरा का पूरा एक बैक्टीरिया हम डाल देंगे, उसका डीएनए ना डाल के पूरा का पूरा बैक्टीरिया हम यूज कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि जिंदा बैक्टीरिया अंदर डाल देते हैं, उसको हीट किल कर देते हैं, मतलब बैक्टीरिया को मार देते हैं और फिर डालते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक है कि हो सकता है कि बॉडी में जाने के बाद उस बैक्टीरिया या वायरस को ऐसा एनवायरमेंट मिल जाए कि वो जिंदा हो जाए, या फिर उसका डीएनए मल्टीप्लाई करने के काबिल हो जाए, तो हमें खतरा हो जाता है। तो इसमें क्या है, चांसेस ज्यादा है खतरे की, इसमें जो ये कभी कभी फेटल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इट कैन किल यू, बट इसमें रिस्क के चांसेस बहुत ही कम है। इसमें डीएनए जाता है और पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं जाता है, इसमें हीट किल या मार करके उस वायरस को हम अंदर डालते हैं, और इसके खिलाफ उसके बाहर की कोटिंग देख करके, उसके बाहर की कोटिंग कवरिंग देख करके इसके खिलाफ क्या होता है, तुरंत एंटीबॉडीज बनने लगती है हमारी, ठीक है। देन इसमें एक्चुअल इन्फेक्शन जो है ये अवॉइड रिस्क जो है वो कम होता है, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। इट कैन बी फेटल, इट कैन लीड टू डेथ, इसमें डेथ भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि जो हमने ऑर्गेनिज्म डाला है वो जिंदा हो जाए। देन
ये ह्यूमोरल और सेल बेस्ड इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करता है. कौन? डीएनए वैक्सीन. डीएनए वैक्सीन में हम देखते हैं कि ये ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करती है, लेकिन ट्रेडिशनल वैक्सीन में हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही देखते हैं कि क्रिएट होती है. अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, हम ऊपर ऊपर मोटे मोटे तौर पर देख लें तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब होता है जो फ्लूइड में इम्यूनिटी होती है, यानी ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे म्यूकस में, यानी कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में, जितने भी फ्लूइड्स में जितने भी इम्यूनिटी होती हैं, और वो क्या करती हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती हैं जब फ्लूइड्स, तो उसको बोलते हैं ह्यूमोरल. और सेल बेस्ड होती है जब टी सेल्स, बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भी एक्टिवेट हो जाती हैं, तो वो होता है डीएनए वैक्सीन के केस में, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ट्रेडिशनल वैक्सीन में नहीं देखी जाती है. और इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है. जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है ज्यादातर उनको फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है. वैक्सीन की जो दवा होती है उसको हमको वेल में रख करके, वेल क्या होती है, वो शीशी जो होती है जिसमें हम क्या रखते हैं, जिसमें हम दवाई रखते हैं, जिससे हम इंजेक्शन डाल करके निकालते हैं. ओके, डायग्राम मुझे पता है कि थोड़ा अटपटा है, बट आपको समझना होगा कि ये क्या है. ये वो वेल है जिसमें हम मेडिसिन को रखते हैं और इंजेक्शन को बाहर निकालते हैं. इसे इंजेक्शन अंदर डाल करके इसमें से दवाई को अंदर सिरिंज के अंदर लेते हैं, ठीक है. तो इसमें हम इसको हमको फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है. बट डीएनए वैक्सीन के केस में ऐसा नहीं है, ये स्टेबल होती है, उनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर, ठीक है. देन अब हम पढ़ेंगे जो आपका मेन टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए वैक्सीन. डीएनए वैक्सीन बनती कैसे है, ये जो डीएनए की वैक्सीन है वो बनती कैसे है. तो आपको रानीमा मैम ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा दी है, उसी बेस पे, उसी के बेसिस पे ये काम करता है. क्या होता है, एक हम वायरल डीएनए लेते हैं, ये कैसा होगा, डबल हेलिकल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये वायरल जीन है. इसको हम क्रॉस कराते हैं एक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ. प्लाज्मिड क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके पास नॉर्मल डीएनए भी होता है, लेकिन साथ में एक डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. और इसके पास होती है ओरिसाइट, ओआरआई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि इसके पास कैपेसिटी होती है कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, अपने जैसे जुड़वा पैदा कर सकता है, ठीक है. जैसे जेरोक्स होता है ना, बिल्कुल वैसे अपनी आइडेंटिकल कॉपीज तैयार कर सकता है. अब हम क्या करेंगे, इसको कट लगाएंगे. अब डीएनए में कट लगाने के लिए हम ऐसे हाथ से तो ऐसे कैची डाल दी और डीएनए काट दिया, इज इट पॉसिबल? नो. हम कैसे काट सकते हैं, तो हमको चाहिए यहाँ पे एक एंजाइम, ठीक है. देखिए डीएनए तो दिखता ही नहीं है ना, तो एक एंजाइम आती है जिसको हम यहाँ यूज करते हैं कट करने के लिए, मॉलिकुलर सीजर के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. रेस्ट्रिक्शन मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन पे ही कट करती है, उसका फिक्स होता है कि यहीं काटेगी तो यहीं काटेगी और कहीं नहीं काट सकती. और एंडोन्यूक्लिएज, एंडो मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस यानी कि डीएनए के सेगमेंट में बीच में कट लगाती है. अब इसको कट करके इसने यहाँ से बाहर निकाल दिया. अब यहाँ पे कट लगा करके इसने इतना पोर्शन बाहर निकाल दिया, यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे वायरल जीन, ठीक है. जितना हिस्सा निकला था क्या किया हमने, इसमें कट लगाया, अब ये खाली हो गया, इसमें डाल दिया हमने वायरल जीन. अपने वायरल जीन को यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है. तो हमने क्या बना लिया, यहाँ पे दो अलग अलग जीन है, एक जो हमारा प्लाज्मिड से आया था, एक जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. अब दो अलग अलग जीन के आने की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, आर डीएनए. आर स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ है दो अलग अलग डीएनए का. एक क्या है आपका जो डीएनए जो आपको चाहिए, और एक प्लाज्मिड डीएनए, ओके. तो इनको हम क्या करते हैं, इसके फर्दर प्रोसेस क्या है, इस डीएनए को लेकर के हम इंजेक्ट करते हैं वेक्टर के अंदर. वेक्टर क्या होता है, जैसे आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको स्कूल से घर जाना है, तो आपके लिए क्या आती है, फादर आते हैं आपके, या फिर आप बस में बैठ करके जाते हैं, ठीक है. तो बस में जो बस हुआ वो आपका वेक्टर हुआ. वेक्टर क्या करती है, एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है. तो ये वेक्टर का क्या काम है, ये इसके अंदर क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रही है. इसके अंदर हमने क्या किया, डाल दिया वेक्टर के अंदर, किसको डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. वेक्टर क्या हो सकती है, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कि आमतौर पे हम लेते हैं इचिरेरिया कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई के अंदर ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हैं. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है मल्टीप्लाई होता है, हमने बताया था जीरोक्स करने की कैपेसिटी है इसके अंदर, तो ये क्या करता है, प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होता जाता है. और जैसे जैसे ई कोलाई डिवाइड करेगी, एक से दो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, दो से चार, चार से आठ, ऐसे होती जाएगी, और सबके अंदर हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ट्रांसफर होता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन. सब बच्चों के पास भी क्या होगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा. अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बाहर निकालने के बाद देखिए कैसे निकलेगा, ये आपको नैनिमा मैम बताएंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. बाहर निकालने के बाद इसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं और रेडी फॉर अप्लाई. ये देखा है आपने, इसी से वैक्सीन निकालते हैं और आपको इंजेक्ट करते हैं.
तो इसमें क्या होती है, आपकी वैक्सीन का मेडिसिन स्टोर होता है। तो ये रही आपका डेवलपमेंट टेक्निक्स। देन मेथड्स ऑफ डिलीवरी, कैसे डिलीवर करते हैं हम। डिलीवर हम बस दो तरीके से कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मली। व्हाट इज इंट्रामस्कुलर, जब हम देखें हमारे स्किन के अंदर कई लेयर्स होती हैं, एक बाहर की होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है डर्मिस की लेयर होती है, ये डर्मिस हो गई, इसके नीचे होता है हमारा फैट और देन मसल्स। तो ये हो गई आपके फैट कुछ इस तरीके से, और इसके बाद होती है आपकी मसल सेल्स। तो जब हम इंजेक्शन 90 डिग्री पे रख करके देते हैं तो हमारे मसल्स में जाते हैं वो इंजेक्शन। और जब हम देखते हैं कभी कभी जो आपको नर्स है ऐसे इंजेक्शन लगाती है कुछ इस तरीके से 15 डिग्री पे टिल्ट करके, तो ये हमारे बाहर के स्किन एपिडर्मिस में लगता है। तो हम इसको मस्कुलर के मसल्स के अंदर भी दे सकते हैं और एपिडर्मल लेयर पे भी दे सकते हैं, इंट्रा मतलब इनसाइड। ओके, तो सिरिंज मेथड से भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको जीन गन के मेथड से भी दे सकते हैं, यानी कि गन की तरह हाई स्पीड से हम इसको क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गन लिए और किसी को शूट कर दिए, यहाँ पे बम्बार्डमेंट कराते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गोल्ड या टंगस्टन से हम बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो यहाँ पे भी गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर डीएनए रैप कर देंगे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए और हाई प्रेशर के साथ शूट करते हैं। देख रहे हैं ह्यूमन स्किन है उस पर शूट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये डीएनए अंदर सेल के अब्सॉर्ब हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और जो हमारा गोल्ड और टंगस्टन है वो बाहर ही रह जाता है। हाई स्पीड से वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक टेक्निक है न्यूमेटिक जेट इंजेक्शन, ठीक है, ये है बहुत हाई स्पीड से जब हमें हाई क्वांटिटी में डीएनए का ट्रांसफर करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। यही टेक्नोलॉजी यूज हुई थी जो हमारे कोरोना की डीएनए वैक्सीन थी। देन लास्ट टॉपिक एडवांटेज, इसका क्या यूज है, क्यों हम डीएनए वैक्सीन पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज है इसका। तो डीएनए वैक्सीन जो होती है वो सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों ये इसको बनाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हम तो नॉर्मल वैक्सीन तो हम यूज कर ही रहे थे ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जितना पैसा लग रहा है उससे ज्यादा हमको क्या दे रही है, हमको ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी दे रही है, जो भी हम चाह रहे हैं उस वैक्सीन से हमको मिल रहे हैं रिजल्ट्स। देन नॉर्मल वैक्सीन जो होती है वो फेटल हो सकती है, बट डीएनए वैक्सीन में ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। एंड देन डीएनए वैक्सीन जो होती है हमको इम्यूनिटी ह्यूमरल और साथ साथ क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी हमको देती है। ये दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी हमको डीएनए वैक्सीन में मिलती है, लेकिन सेल मीडिएटेड जो है यानी कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट जो डीएनए है, जो ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो है वो बनते हैं डीएनए वैक्सीन में, बट नॉर्मल वैक्सीन में ये नहीं बनते हैं। देन ये लॉन्ग टर्म पर्सिस्टेंस है, एक बार हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गई तो वो बन गई, वो कई सालों तक ये रहेगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वैक्सीन की तरह 2-4 साल में इसका इंजेक्शन का असर खत्म हो गया। जैसे आप पोलियो का सुनते हैं कि हर 5-5 साल पे छोटे बच्चों को लगाना पड़ता है, 5 साल पे 10 साल पे, तो वो केस यहाँ नहीं है। एक बार लग गया तो लॉन्ग टर्म ये टिकेगा, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, एंड रेफ्रिजरेशन की भी जरूरत नहीं है और ये स्टेबल है, इट इज स्टेबल, और हम क्या करते हैं ज्यादा टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।